सतलुज सच का निरंतर वहिंदा दरिया। सतलुज ते तुहाडा स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह एक खास रिपोर्ट लैके हाजिर हाँ सारयां नूं सत श्री अकाल। अज असीं गल चमकीले बारे करांगे। चमकीला पंजाबी दा गायक जिसनों वड्डी गिणती दे विच ड्राइवर भाईचारा ते होर जिहड़े खेतां दे विच काम करन वाले मजदूर ते होर लोग ने उह सुणदे रहे ने, ते जिहड़े साऊ ते दानिशमंद लोग सन उह चमकीले दा नाम अपने घरां दे विच या अपने मित्रां दी जिहड़ी दानिशमंदां दी मंडली हुंदी सी उहदे विच उसदा नाम लैण तों गुरेज़ करदे सन ते शर्म जी महसूस करदे सन। पर अज उस दे उत्ते इक फिल्म बन रही है, बॉलीवुड वालों उस दे उत्ते पैसा खर्चिया जा रहा है। प्रसिद्ध निर्देशक ते निर्माता इम्तियाज़ अली इस फिल्म नूं बना रहे ने। दिलजीत दुसांझ इस दे विच मुख किरदार जिहड़ा है उह निभा रहा। चमकीले बारे जिहड़ी फिल्म बन रही है उहदे ते चर्चा करनी इस करके जरूरी हो जाती है साडे लई क्योंकि चमकीला जिहड़ा है वह इस कारण कतल किया गया सी जिहड़ियां रिश्तियां दे विच जिहड़ियां त्रेड़ां पाउण दी कोशिश की गई सी जां जिन्हां नूं उस तरीके नाल एक शरीरक हवस दे तौर दे उत्ते पेश किया जाण लग्या सी चमकीले वालों अपने गीतां दे विच। वो धारनावां प्रवानित नहीं सन। शायद ऐसे कारण उस वेले सिख खाड़कू लहर दे दौरान चमकीले दा कतल होया ते अज भी वह कारण भावें मौजूद ने। हालांकि चमकीले वालों कुछ चंगे गीत भी गाए गए जिन्हों का स्वागत होया, पर यह सब के पिछे की कारण है ते इस वेले चमकीले बारे फिल्म बनाउण दे खास करके बॉलीवुड वालों की कारण हो सकते ने, इस खास रिपोर्ट के असीं इस गल की तह तक जाण की कोशिश करते हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अजकल पंजाब ते सिख कल्चर नूं पेश करन लई काफ़ी मेहनत कर रही है। बॉलीवुड के मशहूर फिल्मकार इम्तियाज़ अली इस तरह दियां कई फिल्मां बना चुके ने जिन्हां दा सरोकार पंजाब दे नाल जुड़दा है। उहदे कहण दे मुताबिक उह पंजाब ते पंजाबियां तों असर अंदाज़ है ते इसे लई अपनियां फिल्मां च इह सारा कुछ करदा है। इस वेले उह वड्डे पंजाबी गायक ते एक्टर दिलजीत दुसांझ नूं लै के लच्चर गायकी दे मोहरी रहे अते पंजाब दे सिख जुझारूआं वल्लों कतल कर दित्ते गए गायक चमकीले ते फिल्म बना रहा। यह फिल्म बनाउण दे कई कारण हो सकते हैं, पर पहलां ये जानते हैं कि चमकीला है कौन सी। पंजाब के देसी बाजार च चल रहे गायकों नाल वाजा ते ढोलकी वजाउंदे आ रहे अमर चमकीले ने 1985 के आसपास अपनी गायकी का सफर शुरू किया। शुरू चो पंजाबी बोली के दोहरे अर्थों वाले शब्दों नूं ही अपनी गीतकारी अते गायकी च वरतदा रहा ते इहदे नाल पंजाब के ड्राइवरां च उहदी तूती बोलण लगी। शराब पीण अते तमाकू जरदा लाउण जिहे लोकल नशियां नूं लोक गायकी दे रंग विच रंगण दी सब तों पहली कोशिश चमकीले ने कीती सी। अपने घरां तों कई कई महीने दूर ते बेगानी भाषा दे सूबियां च विचरण वाले पंजाबी ड्राइवर जिहड़े थां थां ते पुलिस नाकियां ते वर्दी वाले जमदूतां दे सताए होए सन, उन्हां ने चमकीले दी गायकी नूं खुश आमदीद कह दिता। उहदियां टेपां दी विक्री वध गई ते उह ट्रकां दे टेप प्लेयरां विच वज्जण दे नाल नाल पंजाब के खेतों से चलते ट्रैक्टरों पर भी आ गया। इतों उसने एक बार पौड़ी के तीन चार डंडे चढ़न की कोशिश कट्ठे ही की ते अपने गीतों से पंजाबी परिवारक रिश्तों के कपड़े लाने शुरू कर दिते। वो दो अर्थी गायकी तो एकदम पासा वट के सीधा तो स्पष्ट होकर शरीरक हवस को आधार बना के गाने लग पाया। उसके गीतों के अध्ययन तो नतीजा निकलता है कि वह पंजाबी समाज में बजर समझे जाते शरीरक हवस के मानसिक बीमार पुणे नूं मुड़ तो जिउंदिआं करन लई उतावला जापदा। जंगली प्रवृत्ति तो सिख सभ्याचार राही नवचेतन युग की इनकलाबी दिख नाल पंज सदियां विच धोते मांझे पंजाबी समाज नूं गायकी दे एक नवे मानसिक हमले ने दाग लाउणे शुरू कर दित्ते सन। चमकीले की गायकी ने परिवार के बेहद पवित्र समझे जाते रिश्तियां दीआं बेहद नाजुक तंदां नाल छेड़छाड़ कर दित्ती सी। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੇਪ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਵਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਚਮਕੀਲੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਉਸ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਅੱਗੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 22 ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ
दरबार साहब के 43 नंबर कमरे च बने हैडक्वार्टर विखे वह पेश होया जिथे उसने अजिही अशील गायकी और गीतकारी लई मुआफ़ी मंगी ते अगों तो अजिहे गीत गाउण तो तौबा भी की। मामला रफा दफा हो गया जां समझो हल हो गया ते चमकीले ने पहला वांग व्याहां ते होर समागमां च अपनी गायकी दे अखाड़े लाउणे शुरू कर दिते। इसे दौरान उन्हें अपनी घरवाली अते गायका अमरजोत नाल मिल के एक बेहद खूबसूरत टेप तलवार मैं कलगी धरदी हाँ रिलीज़ की जो अज भी उस तरह सुनी जाती है। पर चमकीले अंदर आया यह बदलाव बहुत थोड़े समय का सी। 1986 की 30 अप्रैल में सरकार ने दरबार साहब से एक बार फिर पुलिस से अर्धफौजी दस्तियां नाल कार्रवाई की ते खाड़कू लहर से मुकम्मल दबा जा बना लिया। अकाल तख्त की चल रही कार सेवा बंद हो गई तो बहुते खाड़कू रूपोश हो गए। हालांकि यह समा महज 2 महीने का सी पर संगीत कंपनियां अते संगीत निर्देशकों ने चमकीले नूं मुड़ के अश्लील गायकी वल आउण लई मना लिया। अप्रैल मई 1986 तो लैके मार्च 1988 तक उन्हें कोई 500 तो वध अखाड़े लाए तो 2 दर्जन के करीब टेपां रिकॉर्ड करवाइया। सो यह सी चमकीले की चढ़ाई ते उहदी गायकी का सफर। हुण गल करदे आं उहदे अंत की। जिस वेले उन्हें दरबार साहब जाके मुआफ़ी मंगी सी उस वेले तो लैके 1 साल के समय तक सिख खाड़कू सरकार खिलाफ वड्डियां कार्रवाइयां जा मोड़वे जवाब देने की बजाय लुक छुप के वक्त टपा रहे सन। शायद ऐसे दौर च चमकीले ते उहदी प्रमोटर कंपनी ने सोचा होगा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं ते दड़ वटन की कोई लोड़ नहीं, इहो भले दिन ने। उहदे विआह प्रोग्राम ते अखाड़े आम वांग फेर लगने शुरू हो गए। पर इस सब के दौरान भी सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन के मैंबर ने चमकीले तक पहुँच करके उन्हूं अजिहे गीत ना गाउण लई प्रेरित करन दी लगातार कोशिश की। अखीर सारिया कोशिशां असफल हो जाण बाद 8 मार्च 1988 नूं पिंड हेरां दे गुरदीप सिंह ते उहदे साथियों ने जलंधर जिले के नकोदर नेड़े पैंदे पिंड मैसमपुर च उहनूं गोलियां मार के कतल कर दिता। इस कतल की जिम्मेवारी बकायदा अखबारों च बयान दे के लई गई ते बाकी गायकों नूं भी ताड़ना की गई कि वह चमकीले वांग अश्लील गीतकारी नूं पंजाबी सभ्याचार च ना लैके आउण। खाड़कू सिखां दे इस ऐलान का सारे गायकों ने उस वेले तक पालन किया जदों तक सरकार ने उन्हां नूं हथियारबंद अंग रक्षक नहीं दे दिते। सो ये चमकीले की जिहड़ी जीवन कहानी है इस तरीके नाल करवट लैंदी है। वह गाउणा शुरू करदा है, उसके गीतों के अर्थ बदलते ने, दोहरे भावों वाले शब्द वरतने शुरू करदा है, फिर उन्हां तों हट के सीधे शब्द यूज़ करने शुरू कर दिंदा है। तो एक समा आ जांदा कि इस उतरा चढ़ाव के दौरान उसका कतल भी होंदा ते उस तो बाद कुछ पंजाबी दे गायक जिवें मैं बब्बू मान का नाम लैना इत्थे जरूर चाहांगा। बब्बू मान ने एक गाना गाया सी चोरी चोरी जट्टी चमकीला सुन दी। जट भाईचारे नाल अते जट भाईचारे दियां औरतां उस व्यक्ति दे गाने क्यों सुनदियां ने जिहड़े व्यक्ति का नाम एक दानिशमंद ते साऊ बंदा अपने परिवार दे विच लैण तों गुरेज़ करदा बल्कि शर्म महसूस करदा। उन्हां औरतां ते एक ये सोची समझी साजिश के तहत हमला क्यों किया गया ये भी एक वड्डी गल है। पर फिल्म जिहड़ी चमकीले दे उत्ते बन रही है इस वेले बहुते सिखां वल्लों अंदर खाते अते सोशल मीडिया के उत्ते इसका विरोध चल रहा है। पर की ये फिल्म रिलीज़ होगी पंजाब दे विच जां विदेशां दे विच यह भी एक वड्डा सवाल है। हुण गल करदे हां इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अते इम्तियाज़ अली दी। चमकीले की गायकी ते उस बारे संखेप पेशकारी दे बाद ये सवाल खड़े होंदे ने कि इम्तियाज़ अली अते इंडियन सिनेमे नूं चमकीले की जिंदगी बारे रेखा चित्र बनाउण दी की लोड़ है जिहनूं पंजाब ते सिख सभ्याचार ने रद्द भी किया बल्कि उहदी भौतिक होंद नूं भी मंजूर नहीं किया। इहदे नाल कुछ सवाल यकदम ज़िहन च भुचाल लैंदे ने जिवें कि चमकीले ते बन रही फिल्म ते पैसे ला के परदे दे पिछले किरदार पंजाब च इस वेले उसल वटे लै रही इनकलाब की संभावना नूं परखना तो नहीं चाहते कि चमकीले ते फिल्म बना के सिद्धू मूसेवाले दे नौजवानों च बने इनकलाबी आधार नूं खोरिया जाएगा कि पंजाबी दे वड्डे गायक दिलजीत दुसांझ कोलों चमकीले दे रोल करवा के चलंत पंजाबी संगीत इंडस्ट्री दे खैर कवाहां नूं मुड़ के अश्लील गायकी दे दौर वल धक्कण की कोशिश तो नहीं हो रही कि इम्तियाज़ अली नूं पंजाबी गायकी च लाल चांदी अमला जट सिद्धू मूसेवाला ते अमीर व्यक्तित्व दे मालक पंजाबी योधे एयर मार्शल अर्जन सिंह ते
जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा वर्गे बंदे नहीं दिखाई दिते? चमकीला ही क्यों बई? इस सवालों के अलावा अजकल नैगेटिव प्रचार नूं किसी भी वस्तु या प्रोडक्ट की मशहूरी लिए वरत्या जा रहा है। फिल्म के निर्माता ते पर्दे पिछले पैसे लाने वाले तंत्र नूं इह गल चंगी तरह पता है कि सिख इस फिल्म का पंजाब ते विदेशों च विरोध करनगे ही करनगे। गल पक्की है, विरोध तो होगा। सो ऐसे विरोध के कारण चमकीले की फिल्म नूं वो वड्डी गिणती दर्शकों तक लै जाण च सफल हो जाएंगे। विदेशों च रहिंदे सिख ते पंजाब के कई चोटी के आगू निरसंदेह इस फिल्म के विरोध च उतरणगे ते शायद पंजाब च फिल्म ते रोक लगाउण च कामयाब भी हो जाण। पर इहदे नाल मुद्दा फिर भी उवें दा उवें ही खड़ा ते फिल्म तंत्र अगों लई भी पंजाब विरोधी किरदारां बारे फिल्मां बनाउण लई धड़ल्ले नाल पैसे खर्चदा रहेगा। इस बारे अकाल तख्त अते श्रोमणी कमेटी दा रवैया की है, उह किसे कोलों लुकिआ नहीं। गुरमीत राम नूं मुआफ़ी देण दे बाद सारे चेहरे पहले ही नंगे हो चुके ने। सो असी देखिया ये सारी कहानी फिल्म बारे अते उस किरदार दे बारे, तो इस गल तो असी मुनकर नहीं हो सकते कि आने वाले दिनों दे विच जो फिल्म रिलीज़ होगी दिलजीत दुसांझ दे उत्ते भी सवाल उठनगे कि एक पासे ओह शहीद जसवंत सिंह खालड़ा का किरदार निभा रहा एक फिल्म दे विच, ते दूजे पासे एक अजिहे किरदार नूं निभा रहा जिसनूं पंजाब दे विच सिखां दे विच रद्द ही नहीं किया गया बल्कि उस नूं बुरे तरीके नाल भंडिया गया अते बाकी दे पंजाबी गायकां नूं भी उसदे राह उत्ते चलण तो गुरेज करन दे लई उन्हां पंजाबियां ने ते उन्हां सिखां ने ताड़ना कीती होई है। सो अजिहे दे विच ये सारा कुछ आने वाले समय दे विच किवें वापरदा जां किस तरीके नाल ये जिहड़ी फिल्म दा रिलीज़ होना जां हो रहा है ये किवें करवट लैंदा, ये असीं इस दे उत्ते नज़र रखांगे, तुहानूं दस्स देवांगे। पर तुसी अपने अपडेट दे लई अपनी जानकारी दे लई साडे चैनल नूं यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो, अग्गे वध तों वध शेयर करो, ते जे कोई तुहाडा सुझाव जां तुसी किसी खास प्रोग्राम दे उत्ते टिप्पणी चाहुंदे हो तां तुसी info@satalujtv.com दे उत्ते ईमेल कर सकदे हो। साडी वैबसाइट है www.satalujnetwork.com। सारयां नूं सति श्री अकाल, फिर मिलदे हां, रब रखा।